अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मार्क्स बताऊंगी वो है पिगमेंटेशन के लिए। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो ये मार्क्स परफेक्टली आपके लिए है। मार्क्स बताने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी मोटिवेशन इंक्रीज़ हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो चलते हैं मार्क्स के फर्स्ट इंग्रीडियंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रीडियंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। ये नेचुरल वे है, ये आपके फेस पे जो है पिगमेंटेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करती है, आपके तमाम पोर्स को क्लीन अप करती है, तमाम सेल्स को एक्टिवेट करती है ताकि जो है पिगमेंटेशन जो है वो रिमूव हो जाए आपके फेस के ऊपर से। आपने जो मुल्तानी मिट्टी है ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से ईजिली मिल जाएगी। मुल्तानी मिट्टी आपने हमेशा ग्राइंड फॉर्म में लेनी है, आपने डली फॉर्म में नहीं लेनी है। आपने पंसार से कहना है कि आपको जो है वो ग्राइंड करके दे ताकि वो इजी टू यूज़ हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। सेकंड इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है धनिया का जूस। ये आपने कैसे बनाना है मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि आपने इसे कैसे बनाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा और आपने इस तरह से जूस बना देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी जो होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए यूज़फुल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये आपके फेस की जहाँ पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, साथ साथ आपके फेस की स्किन को स्मूथ करेगा, सॉफ्ट बनाएगा और बहुत ही नीट कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है धनिया का जूस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये आपके पीएच स्केल को बैलेंस करता है फेस की, ये आपके फेस पे जो है सेलुलर डैमेज से फाइट करता है, आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिलके, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगा या किसी पंसार के स्टोर से भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये आपके फेस की पिगमेंटेशन को रिमूव करने में वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, बी होता है, सी होता है, ई होता है, जो कि हमारे स्किन सेल की रिक्वायरमेंट होता है। ये आपके फेस के ऊपर से डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा पिगमेंटेशन के साथ ताकि वहाँ जो है न्यू सेल आ सके और आपको जो है पिगमेंटेशन फ्री जो है स्किन मिल सके। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हमारे फेस की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की, सी की और ई की, और इसके अंदर तीनों पाए जाते हैं। एलोवेरा जेल जो है आप ऐसे जेल फॉर्म में भी ले सकते हैं मार्केट से, अदरवाइज अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो आप वहाँ से भी फ्रेशली स्क्वीज जो है एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ अप टू यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मास्क को बनाने के लिए आपको धनिया का जूस जो है वो 1 टेबलस्पून चाहिए, मुल्तानी मिट्टी आपको 1 टेबलस्पून चाहिए, 1/2 टेबलस्पून आपको रोज़ वाटर चाहिए और 1 टेबलस्पून ही आपको एलोवेरा जेल चाहिए। चलिए चलते हैं इनकी मिक्सिंग की तरफ। चलिए जी, ये देखिए मैंने मुल्तानी मिट्टी के अंदर जो है धनिया का जूस, रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल को ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अगर आपका पेस्ट जो है वो थोड़ा थिक बन जाए तो आपने है धनिया का जूस ऐड करना है ताकि आपका पेस्ट जो है वो स्मूथ बन सके। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मार्क्स है, पिगमेंटेशन को दिनों के अंदर आपके फेस से रिमूव कर देगा। आप खुद परेशान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी कैसे कोई मार्क्स इफेक्ट कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये सारे इंग्रेडिएंट मिल के आपके फेस के ऊपर से पिगमेंटेशन को नेचुरल वे से रिमूव करते हैं और साथ साथ रिमूव करने के अलावा आपके फेस को स्मूथ टेक्सचर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी फेस जो है कि स्किन स्मूथ लगे और खूबसूरत लगे। ये मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है अपने फेस से पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने ये मास्क वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके और परमानेंट वे से आपके फेस की पिगमेंटेशन रिमूव हो सके। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपने इसको एटलीस्ट 1 मंथ तक यूज़ करना है ताकि जो पिगमेंटेशन है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके।
जैसे से आप यूज़ करते जाएंगे इस मास्क को, आप देखेंगे कि आपकी पिगमेंटेशन जो है वो कम होना शुरू हो गई है, और 1 मंथ के कॉन्टिन्यूस यूज़ से आपके फेस के ऊपर से पिगमेंटेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।